महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सोमवार को केमिस्ट्री लैब में केमिकल की बोतल गिरने से हुए विस्फोट में दो छात्राओं सहित एक छात्र गंभीर रूप से झुलस गया है। इसके अलावा 12 अन्य छात्र छात्राओं की आंखों में जलन और उल्टी दस्त की शिकायत होने पर सभी को जलन अस्पताल लाया गया। दो छात्राओं को गंभीर रूप से झुलसने पर अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। सोमवार को यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री लैब में फाइनल और प्रीवियस के विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान लैब में रखे H2SO4 गंधक की बोतल में विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद लैब और विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। मौके पर बचाव के कोई साधन नहीं होने पर व्याख्याताओं ने अपने वाहनों से घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन का आरोप है कि लैब काफी छोटी पड़ती है जो UGC के मापदंडों को पूरा नहीं करती। लैब की व्यवस्थाओं के लिए हमने पहले भी लिख के दिया था कि पर्याप्त लैब होनी चाहिए हर विभाग के अंदर। केमिस्ट्री की स्पेशल बात नहीं है, पर्याप्त लैब होनी चाहिए हर विद्यार्थी मतलब विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन उसका कारण कई बार लिखित में भी दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई विश्वविद्यालय प्रशासन से ऐसी कार्रवाई नहीं करी और वहाँ पर ना कोई ऐसे उपकरण थे कि वहाँ पर तुरंत बचाव कर लिया जाए उस चीज़ का। आंदोलन हमने पहले भी पूर्व में किए हैं, लेकिन जो एक सक्षम कार्रवाई आज जो इसका परिणाम हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन की ढिलाई का, उस प्रशासन से मुझे पूर्ण लगता है कि अगर चेत जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन, नहीं भी चेतता है तो फिर छात्रों छात्राओं के परिवारजन वालों को हम साथ में लेकर विश्वविद्यालय अनिश्चितकालीन के लिए बंद कराएंगे और नए शैक्षणिक सत्र के अंदर जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी छात्र संघ की और वहाँ के विद्यार्थियों की, जितने भी केमिस्ट्री जूलॉजी हुआ माइक्रोबायोलॉजी हुआ इन्वायरमेंट साइंस जितने भी MSc की लैब है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर उनका स्पेस होना चाहिए, अच्छा रख रखाव वहाँ पर होना चाहिए। जबकि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुरेश सिंधी ने बताया कि छात्रों के आरोपों और आज हुई घटना की पूरी जांच करवाई जाएगी। यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिली है कि किसी बॉटल में विस्फोट हो गया है, उसमें दो लड़कियां घायल हो गई हैं, उन्हें बर्न है और एमरजेंसी में इलाज के बाद उन्हें बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तीसरा लड़का है उसको मामूली चोट है, उसको भी एमरजेंसी में इलाज करके छोड़ दिया है और 8-10 लड़कियों को आंखों में जलन हो रही है, उनकी आंखों वाले डिपार्टमेंट में इलाज चल रहा है। घायल छात्रों को देखने कुलपति रूप सिंह बारेट भी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी मीडिया से बात नहीं की। वहीं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रीटा मेहरा ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा उन्हें मीडिया को स्टेटमेंट देने के लिए पाबंद कर रखा है, इसलिए वे कुछ नहीं बोल सकती। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई हूँ, वाइस चांसलर के अंडर में काम करती हूँ। वाइस चांसलर के लिखित आदेश हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी टीचर या एम्प्लॉई डायरेक्ट प्रेस को एड्रेस नहीं करेगा, इसलिए हम एड्रेस नहीं कर सकते। आप कुलपति महोदय से अनुमति ले लीजिए और उनसे मेरे को अनुमति दिला दीजिए। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक चौधरी सहित मेडिकल कॉलेज प्राचार्य PK सारस्वत सहित अन्य चिकित्सकों ने घायल छात्र छात्राओं का मुस्तैदी के साथ इलाज शुरू कर दिया।